फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू की सब्जी, एकदम मसालेदार बनाएंगे, एकदम जैसे रेस्टोरेंट में या आपने शादियों में भी खाया होगा उसी तरीके से बनाएंगे, पर एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग इस गोभी और आलू को डीप फ्राई करते हैं, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं, एकदम वन स्टेप प्रोसीजर है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने गोभी और आलू को धो के काट लिया है, इस तरह के मीडियम आकार में काट लिया है। इसके अलावा मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया लिया है, कस्तूरी मेथी, तेल, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हरी मिर्च, अदरक और इस टमाटर के टुकड़े करके ग्राइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लिया है, इसे साइड में रख देते हैं। इधर पैन है, इसे पैन गरम है, इसमें हम तेल डाल देते हैं। इस तेल में हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, जीरा तड़कने के बाद इमीडिएटली हम इसमें गोभी डाल देंगे। जीरा तड़क गया है, इस टाइम पे हम ये आलू गोभी डाल देंगे। और इसी के ऊपर हम हल्दी और जितना नमक आप डालना चाहते हैं स्वाद अनुसार वो भी डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे ढक के पकने देंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखें। ये गोभी को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाया है करीब 7-8 मिनट। देखिए ये हल्का सा सॉफ्टनेस आ गई है और जैसा कि मैंने कहा हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये अपना शेप लूज नहीं करेगी, अदरवाइज ये मैश ही होने लगेगी। इस टाइम पे हम इसे साइड में कर लेंगे और ये जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें पोर कर डाल देंगे। इसी के ऊपर हम बाकी के सूखे मसाले डाल देंगे, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ज़्यादा डालेंगे, 2 छोटी चम्मच डालूंगी मैं, और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। सबको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के फिर से कुक होने देंगे। फ्लेम अभी भी मैंने मीडियम टू हाई ही रखा है। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद हमने इस गोभी आलू को और 5 से 7 मिनट ढक के पकाया है। अब ये रेडी है, मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और ये जो कसूरी मेथी है इसे भी इस तरह से डाल दूंगी और इसे हम मिक्स करेंगे और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें। गर्मा गर्म मसालेदार आलू गोभी रेडी है, इसे आप गर्म गर्म रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। देखिए हार्डली इसे बनाने में 15 मिनट लगे होंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।